हमारी एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन पटनायक जी जुड़ रहे हैं। पटनायक जी जय हिंद। सर जय हिंद। सर मैं ग्रुप कैप्टन एके पटनायक हूँ, वायुसेना स्टेशन हिंडन से बात कर रहा हूँ। पटनायक जी, कोरोना से लड़ाई के दौरान आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। दुनिया भर में जाकर के टैंकर लाना, टैंकर यहाँ पहुंचाना, मैं जानना चाहूंगा कि एक फौजी के नाते एक अलग प्रकार का काम आपने किया है। मरने मारने के लिए दौड़ना होता है, आज आप जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? सर इस संकट के समय में हमारे देशवासियों को मदद कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का काम है सर। और ये जो भी हमें मिशन्स मिले हैं हम बखूबी से उसको निभा रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग और सपोर्ट सर्विसेज जो हैं हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है सर, इसमें जो हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो बहुत ही हाई लेवल पे है, और इसी की वजह से हम कंटिन्यूअस ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। कैप्टन, आप इन दिनों जो जो प्रयास किए हैं और वो भी कम से कम समय में सब कुछ करना पड़ा है, उसमें अभी इन दिनों क्या रहा आपका? सर पिछले एक महीने से हम कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन टैंकर्स और लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर्स डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन दोनों से उठा रहे हैं सर। करीब 1600 सॉर्टी से ज्यादा एयरफोर्स कर चुकी है और 3000 से ज्यादा घंटे हम उड़ चुके हैं। करीब 160 इंटरनेशनल मिशन कर चुके हैं, जिस वजह से हम हर जगह से ऑक्सीजन टैंकर्स, जो पहले अगर डोमेस्टिक में 2 से 3 दिन लगते थे, हम उसको 2 से 3 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं सर। और इंटरनेशनल मिशन में भी विद इन 24 आवर्स कंटिन्यूअस राउंड द क्लॉक ऑपरेशन करके पूरी एयरफोर्स इसमें लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने ज्यादा टैंकर ला सकें और देश की मदद कर सके सर। कैप्टन, आपको इंटरनेशनल में अभी कहाँ कहाँ दौड़ भागना पड़ा? सर शॉर्ट नोटिस में हमें सिंगापुर, दुबई, बेल्जियम, जर्मनी और यूके, ये सब जगह पे डिफरेंट फ्लीट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स सर, IL-76, C-17 और बाकी सारे विमान गए थे, C-130, जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये मिशन प्लान करके हमारी ट्रेनिंग और जोश की वजह से हम टाइमली इन मिशन को कंप्लीट कर पाए सर। देखिए, इस बार देश गर्व अनुभव करता है कि जल हो, थल हो, नभ हो, हमारे सारे जवान इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे हैं। और कैप्टन, आपने भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है, तो मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूँ। सर थैंक यू सो मच सर, हम अपनी पूरी कोशिश में जी जान के साथ लगे हुए हैं और मेरी बेटी भी मेरे साथ है सर, अदिति। अरे वाह। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। अदिति, आप कितने साल की हैं? मैं 12 साल की हूँ और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। तो ये पिताजी बाहर जाते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं। हाँ, उनके लिए मुझे बहुत प्राउड लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि वो इतना सब महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जो सारे कोरोना पीड़ित लोग हैं उनकी मदद इतनी ज्यादा कर रहे हैं और इतने सारे देशों से ऑक्सीजन टैंकर्स ला रहे हैं, कंटेनर्स ला रहे हैं। लेकिन बेटी तो पापा को बहुत मिस करती है ना? हाँ, मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें। वो आजकल ज्यादा घर पे रह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हैं और कंटेनर्स और टैंकर्स उनके प्रोडक्शन प्लांट्स तक पहुंचा रहे हैं ताकि जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनको टाइमली ऑक्सीजन मिल सके और उनकी जान बच सके। तो बेटा, ये जो ऑक्सीजन के कारण लोगों की जान बचाने वाला काम तो अब घर घर में लोगों को पता चला है। जब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे साथी स्टूडेंट जानते होंगे तुम्हारे पिताजी ऑक्सीजन की सेवा में लगे हैं, तो तुम्हारे प्रति भी बड़े आदर से देखते होंगे वो लोग। हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि तुम्हारे पापा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और तुम्हें भी बहुत प्राउड लगता होगा। और तब मुझे इतना ज्यादा गर्व अनुभव होता है। और मेरी जो सारी फैमिली है, मेरे नाना नानी, दादी, सब लोग भी मेरे पापा के लिए बहुत प्राउड है। मेरी मम्मी और वो लोग भी डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी दिन रात काम कर रहे हैं। और सारी आर्म फोर्सेस, मेरे पापा के सारे स्क्वाड्रन के अंकल्स और सारी जो फोर्सेज हैं, सब लोग, सारी सेना बहुत काम कर रही है। और मुझे यकीन है कि सबकी कोशिशों के साथ हम लोग कोरोना से ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटी जब बोलती है ना तो उसके शब्दों में सरस्वती विराजमान होती है, और जब अदिति बोल रही है कि हम जरूर जीतेंगे तो एक प्रकार से ये ईश्वर की वाणी बन जाती है। अच्छा अदिति, अभी तो ऑनलाइन पढ़ती होगी? हाँ, अभी तो हमारे सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं
और अभी हम लोग घर पे भी सारे फुल प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और कहीं अगर बाहर जाना है तो फिर डबल मास्क पहन के और सब कुछ, सारे प्रिकॉशंस और पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारी क्या हॉबीज है, क्या पसंद है? मेरी हॉबीज हैं कि मैं स्विमिंग और बास्केटबॉल करती हूँ, पर अभी तो वो थोड़ा बंद हो गया है, और इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौरान मैंने बेकिंग और कुकिंग का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है, और मैं अभी सारे बेकिंग और कुकिंग करके, जब पापा इतना सारा काम करके आते हैं तो मैं उनके लिए कुकीज़ और केक बनाती हूँ। वाह वाह वाह, चलिए बेटा, बहुत दिनों के बाद तुम्हें पापा के साथ समय बिताने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा। और कैप्टन, आपको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन जब मैं कैप्टन को बधाई देता हूँ, मतलब सिर्फ आपको ही नहीं, सारे हमारे फोर्सेस, जल थल नभ, जिस प्रकार से जुटे हुए हैं, मैं सबको सबको सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद भैया।